साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राहुल शिवाच में। और आज भाइयों मैं चरला गांव में हूँ, और चरला गांव में भाइयों एक ही किसान है ऐसे जो ट्रंच विधि से गन्ना लगा रहे पिछले साल से, और सारे कृषि यंत्र ले आए, तो इनके गन्ना पेड्डी के खेत पर आया हूँ मैं भैया जी के। अभी तो मैं आपको पहले दिखा दूँ, जो ये कबोटा का ट्रैक्टर है, इन्होंने इसके द्वारा मिट्टी चढ़ाई है। वो लेजर कहाँ का था जी, वो मिट्टी चढ़ाने वाला? नहीं, मिट्टी चढ़ाने वाला तो जी हमने खुद ही चढ़ाई है मिट्टी तो इसमें। नहीं, वो लेजर कहाँ का बनवाया है? लेजर वो करनाल का बना हुआ है जी। अच्छा, करनाल का बना हुआ है। हाँ जी, किंग वालों के यहाँ से। किंग वालों का, करनाल वालों का लेजर है, किंग वालों का। और उसके द्वारा देखो ट्रेंच के गन्ने में भाइयों मिट्टी चढ़ा रखी। परसों में आ नहीं पाया, उस दिन मिट्टी चढ़ा रहे थे, दोपहर के टाइम में मिट्टी चढ़ाई। तो पहले मैं भैया जी से जानकारी लेंगे इसके बारे में खेत के। तो आ जाओ जी थोड़ा सा। क्या हाल है भैया जी? बढ़िया जी। तो भैया नमस्कार सभी किसान भाइयों को। हाँ जी, तो ये पेड्डी कब की कटी हुई है जी आपकी? ये पेड्डी हमारी जी 10-15 अप्रैल के आसपास ही कटी हुई है। अच्छा जी। हाँ जी, तो पोके छोटे थे आप? बाद में यही कटी है हमारी। अच्छा, पोके छोटे थे जी। हाँ जी, पोके छोटे हुए हैं इसमें। तो अभी रेटून मैनेजर नहीं लाए? अभी रेटून मैनेजर अरेंज नहीं हो पाया जी। जी जी जी। तो पोके छोड़ के आपने इसे खुदाई उदाई करवाई, क्या करवाया? नहीं जी, खुदाई नहीं कराई हमने, कुबोटा ट्रैक्टर से इसकी जुताई करी थी जी। अच्छा, पत्ती का क्या करा जी? पत्ती हमने इसकी निकाल दी थी जी। अच्छा, पत्ती निकाली बाहर जी। तो भाइयों देख लो, इधर एक साइड में सड़क पड़ रही है, वो ट्रैक्टर एक साइड में तो बाहर निकल जाता था, और साइड भी हमने घूमने के लिए जगह छोड़ी हुई है। अच्छा, उनका भी जगह छोड़ रखी। अच्छा, मजेदारी तो जब ये जी पत्ती। हाँ जी, हाँ जी, जड़ है ना पत्ती से मेरा। हाँ जी, हाँ जी। वो पत्ती आप गड़ा भी सकते हो खेत में। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन इतना टाइम नहीं होता कि जल्दी। हाँ, अप्रैल में आका तो बिल्कुल लेट हो जाए मामला। सही कह रहे हैं, इतना पीक सीजन होता है पूरा आपकी बड़वार का, फुटेर का। जी जी। तो उस टाइम पे ज्यादा टाइम नहीं होता जी। जी, तो इस बार हमने 25 की बाहर निकाल दी थी सारी। अच्छा अच्छा तो भाइयों, तो इसमें फिर अब क्या लागत लगा दीजिए थोड़ी सी? इसमें हम फिलहाल अभी हमने इसमें जो मिट्टी चढ़ाई है जी, इसमें हमने 50 किलो यूरिया डाला है। अच्छा जी, 50 किलो DAP। अच्छा, एक बैग DAP का डाल एक दिया। एक बैग DAP का डाला है जी। जी, और 7.5 किलो इसमें फटेरा डाला है जी। अच्छा जी, हाँ जी। तो ये डोज फाइनल कर दी? ये डोज हमने फिर फाइनल कर दी जी। अब इसकी स्प्रे करना है, अभी थोड़ा ये पानी दिया था इसे डोज डालकर जी। जी जी, जैसे इसमें पैर थोड़ा सा थमने लगेगा हम इसमें स्प्रे करने की सोच रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो भाइयों ये देख लो, पिछले साल इन्होंने ये ट्रंच का गन्ना लगाया था, इसी का ही बता रहे हैं आप 70 का निकला था? हाँ जी, हाँ जी, इसी में ही हमारा एवरेज हमने निकाला था जी। जी जी, तो भाइयों देख लो गन्ने की मोटाई पोगों की बहुत ज़बरदस्त हो रही, और पोगे छोड़ गए। अगली बार रेटून मैनेजर भी लाऊंगे। साइज देखो, किसान को सोच बनानी पड़ती है, और उससे ही अनुभव भी होगा। अनुभव जी ऐसा है, पहली बार जब हमने फर्स्ट टाइम ये बोया था, इतना अनुभव नहीं था हमें। हाँ जी, हाँ जी। एक तो हम इसकी केयर नहीं कर पाए थे ज़्यादा जी। बुआई पौधा जो था बहुत ही अच्छा खड़ा था। हाँ जी, हाँ जी, बहुत काफ़ी मोटा और बड़वा, मतलब ग्रोथ इतनी अच्छी थी बहुत जी। लेकिन ये थोड़ा सा गिर गया था। अच्छा, गिर गया था, मट्टी नहीं चढ़ पाई होगी? मट्टी नहीं चढ़ पाई थी जल्दी से। जी जी। अच्छा, जैसे भैया आपके पास में किलोस्कर का पावर वीडर था, उससे मट्टी नहीं चढ़ा के देखी? उससे चढ़ाई थी, लेकिन जो मट्टी अब ऐसी चढ़ी हुई है वो इतनी अच्छी नहीं चढ़ा पाया था। अच्छा अच्छा, इतनी अच्छी नहीं चढ़ी पाई, जो ट्रैक्टर से चढ़ जाए वो चढ़ती नहीं सर। ट्रैक्टर से चढ़ी हुई है जी जी, वो पावर वीडर से नहीं चढ़ पाई थी इसमें। जी जी, हल्की मिट्टी रह गई थी। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर बंधाई करवाई नहीं होगी तो ढह गया था? हाँ जी, फिर हमने जब ये गिर गया था कहीं कहीं पे, हाँ जी, हमने फिर इसके खड़ा करवा के बंधाई करवाई थी एक जी। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। तो भाइयों देख लो, भैया जी ने गन्ना पेड्डी के बारे में भी जानकारी दे दी, और हमारे क्षेत्र में जो है नए किसान आए हैं आपके बारे में, जो सारे कृषि यंत्र जिन्होंने बनाए हैं ट्रंच विधि से, तो काफ़ी किसान गन्ना बो रहे, लेकिन अभी कृषि यंत्रों का अभाव है उनके पास ना। तो भैया जी ने एक बड़ा ही काम करा, जो पैसे खर्च करे इस पर। तो मैं इनकी गन्ना पेड्डी दिखा दी आपको, जानकारी आपको जरूर पसंद आएगी, कमेंट करके जरूर बताइए। हमने इस बार नया बीज भी बोया है मिल वालों ने। अच्छा अच्छा, नई वैरायटी कौन कौन सी जी? नई वैरायटी हमारे पास 235 है जी। अच्छा, 13-235, 0-23 है, 15-023, हाँ जी, और 14-201 है जी। जी जी, कौन सा अच्छा चल रहा है ना? इसमें अभी 0-35 अच्छा चल रहा है जी। 13-235, 14-201 जी। 14-201 भी अच्छा बता रहे हैं, देखते हैं अभी कैसा हुआ। आप कहाँ जमा कर पा रहे हो? अच्छा अच्छा, ट्रिलिंग तो ठीक है? ट्रिलिंग सही है, 200 इसमें 235 में ज़्यादा ट्रिलिंग है। अच्छा, उससे ज़्यादा मुकाबले। जी जी, और जो 23 था हमने पिछली बार भी बोया था। हाँ जी, हाँ जी, इस बार भी कुछ मिल वालों ने लिया, कुछ किसानों को दिया। जी जी, 15-023 कैसा लगा? 15-023 है, अच्छा बीज बता रहे हैं जी। अभी हमारे पास पेड्डी खड़ी हुई है उसकी। नहीं, जैसा आपका पौधा निकला कैसा लगा, मतलब आपको?
पौधा अच्छा निकला है जी, उसमें बस देखते हैं अभी जो मिल वाले उसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, 0-23 को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो इस बार भी हमने बोया है 23। अच्छा अच्छा, तो देख लो भाइयों, भैया जी से पूरी जानकारी ले दी, तो इनकी नई वैरायटी की वीडियो भी लाएंगे। नमस्कार।